सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध ये सारा। सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध ये सारा। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे। हम आए शरण तैयारी, हम आए शरण तैयारी। अब दे दो गीता ज्ञान तेरा ज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तैयारी, हम आए शरण तैयारी। फस कर जग की मोह माया में, फस कर जग की मोह माया में। दुख पाता था इस काया में, दुख पाता था इस काया में। बस कर जग की मोह माया में, दुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जलाओ गुरु जी हमारे, निज ज्योति से ज्योति जलाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। अब दे दो गीता ज्ञान ते अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। गुरु चरणों में ये आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। सेवक पर स्वामी दया करो, सेवक पर स्वामी दया करो। भव भय संकट सब दूर करो, भव भय संकट सब दूर करो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, हम आए शरण तिहारे। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। देखिए ये क्या सीन जिंदगी, मिल गई है करके उसकी बंदगी। देखिए ये क्या सीन जिंदगी, मिल गई है कर
करके उसकी बंदगी। अब समय अपना ना यूं गवाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। अब समय अपना ना यूं गवाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। होठों पे सदा ही तेरा नाम हो, दिल में तेरे सदा प्रभु का धाम हो। होठों पे सदा ही तेरा नाम हो, दिल में तेरे सदा प्रभु का धाम हो। रोज सत्संग की बगिया सजाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। रोज सत्संग की बगिया सजाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। तुमको तेरा कभी भी न भाने हो, दिन उसी का हो उसी की शाम हो। तुमको तेरा कभी भी न भाने हो, दिन उसी का हो उसी की शाम हो। नींद में भी धुन उसकी लगाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। नींद में भी धुन उसकी लगाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। एक छवि तू उसे न भूलना, माया में प्रेमी अब न डोलना। एक पल भी तू उसे न भूलना, माया में प्रेमी अब न डोलना। अब तो जगत के रिश्ते मिटाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। अब तो जगत के रिश्ते मिटाइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ये जगत तो तेरा एक सराय है, आजा तू तुझे गुरु बुलाए है। ये जगत तो तेरा एक सराय है, आजा तू तुझे गुरु बुलाए है। आइए बिलाइए भी आ भी जाइए, आइए बिलाइए भी आ भी जाइए। प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। अब तो जगत के रिश्ते मिटाइए, तो जगत के रिश्ते क्या मिटा के कहीं चले जाना है कि अपना फलाना नहीं, जो भी नहीं है, जो भी रिश्ते, तो वो रिश्ते मिटाने का अर्थ ये थोड़ा ना कि रिश्तों से हट जाना है,
ये तो ऊपर के जो रिश्ते हैं उनमें, देह के जो बने हुए रिश्ते हैं उनमें ही अब थोड़ा बदलाव कर दे, उनमें परमात्मा परमात्मा देखने लगे। तो बोले क्या, बोले सब परमात्मा के बंधे हैं, तो परमात्मा से ही सब उपजे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला और कौन, कौन अपना और कौन परा। ये ऐसा कितना अच्छा गुरु जी ने ज्ञान दे दिया। हम लोग समझ जगत के रिश्ते मिटाने कि अपने अपने बच्चों से ना बोलो, अपने भाई बहनों से ना बोलो, अपने उनसे ना बोलो, बस सत्संगियों से बोलो, ऐसा ज्ञान गुरु जी ने कहा। अंदर से नाम रूप से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको, उनसे संबंध अंदर ही अंदर तोड़ो, और किससे जोड़ो, ये भी प्रभु ये भी प्रभु ये भी प्रभु, तो बड़ा मजा आने लगेगा। अब संबंध भाव में रहो तो खटास रहेगी, तो बोले रात दिन देखते ही रहेंगे उल्टा सीधा, अपना पराया खत्म हो जाता है। जिस समय बोले अभी कैसा समय कैसा है, दिवाली का समय है, तो दिवाली के समय सबसे कोई भी होता है, जब जानेंगे तब उससे विश करेंगे, उससे ऐसा थोड़ा ना, जो भी मिले उससे विश किए। जो होली में भी ये होता है, लेकिन पहले जानते हैं तो विश करते हैं, नहीं तो आंख में देखेंगे भी, लेकिन देख भी रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं उससे, क्योंकि उसको जानते नहीं पराया। तो ये बोले यही सत्य गुरु जी ने हम लोगों का धीरे धीरे खत्म किया। ये सब जगह अपनापन, सब जगह अपनापन लगता है, कोई ना हिंदू ना मुस्लिम, सच बताए अंदर से कुछ नहीं लगता है ये हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है, ये सिर्फ लगता है। इसके अंदर भी तो वो ईश्वर प्रकट है, तो बस उससे बातचीत होती रहती है, और उससे बातचीत होने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। और नहीं तो बोले नाम रूप से खटास होती है और कुछ नहीं होता है। बोले कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है। बोले ये जगत तो तेरा एक सराय है, आजा तू तुझे गुरु बुलाए। इसका अर्थ ये नहीं कहीं मर जाना है क्या कुछ, ये सब कुछ नहीं, इसका अर्थ ही है कि ये जगत जो है यहाँ गुरु बुला रहा है, तो गुरु बता रहा है कि तू आत्मा है, तू मेरा ही अंश है, मुझसे मिल जा, तो अंदर में भी उससे मिलना हो जाएगा। अब प्रयास में लगे, मिल गए ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पहले स्थिति ये होती थी कि बड़ी अरे इतना कर रहा है, इतना हो रहा है, कोई तारीफ करे, कोई ये करे, अरे कोई हमारे अरे हमने ही तो बताया था इसे, तो ये हमें बताए, हमारी महिमा करे, बड़ा मन में होता था, देखो हमसे सीखा लेकिन बोल रहा है अपनी बात, बोल रहा है बोल महिमा भी नहीं बोल रहा है, बड़ा अंदर में दुख होता था, बहुत दुख होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई बोलता है महिमा तो लगता है किसी और की है, सच बता अंदर की, कोई भी अरे आपसे कहा तो आप दर्द ठीक हो गया, फलाना ऐसा हुआ तो ये हो गया, तो जैसे बेगानापन लगता है, अरे लगता है ये तो पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, झूठी बात लगती है, क्योंकि अपनी नहीं लगती, पहले मैं से बड़ी अपनी लगती थी ये बात। हाँ कोई बोला अभी किसी ने बोला ऐसे तो लगा सुन लिया बस, तो पहले की दशा में ये था कि बड़ा मगन भी हो जाता था, और नहीं करे तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी अंदर में कि देखो बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा है, हैं किसी से अभी बता रहा है आराम इसी बात से आया, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है, फिर भी नहीं कह रहा है, सीखा हमी से लेकिन ऐसा नहीं कह रहा। ये सब अंदर की गति थी, बाहर मुखौटा लगा लेकिन अंदर की गति है। लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे किसी पराए की बात कर रहा है कोई, जब उसने बोला कि ऐसे सही हो गया आपसे कहते ही खत्म हो गया, तो लगे जैसे किसी दूसरे की बात कोई बता रहा है। एक बात कहनी है। हाँ बताइए।
ये कि वो जो परायापन आप कह रही हैं, एक्चुअली आपको परायापन नहीं लगा, अब ये इतना आपको आप खो चुकी कि आपको लगता है उस वक्त आपको अपने गुरु की महिमा दिखने लगती है, अपने नहीं दिखती, जो आपके अंदर समाया हुआ गुरु है आपको उसकी महिमा का अंदाजा होता है और उसी की आप जय जयकार करती हैं। पहले आप अपनी खुश हो लेती थी, लेकिन अब आप जैसे कोई महिमा करता है तो आप अपने गुरु के लिए खुश होती हैं। ये बात नहीं बता, ये बात नहीं कह रहे, जो बात अंदर की जो स्थिति है वो बता रहे कि पहले ऐसा लगता था, बड़ा मजा आता था, कोई नहीं करता था, बड़ी शिकायत होती थी अंदर से, बड़े अंदर में उससे कि देखो हमी से सीखा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा मतलब एक अंदर में ऐठ रहती थी उसके प्रति, अगर वो बात ना बताए सही से कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किससे हुआ, लेकिन ये अंदर की गति बता रहे हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम लेकिन हम बता रहे हैं। और अभी क्या हुआ, क्योंकि आपका विषय हमारा विषय तो स्वयं हम ही है ना, खोजना तो अपनी हो रही है, दूसरे की तो हो नहीं रही, हर घटनाक्रम के माध्यम से। अभी जैसे किसी ने बोला तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हमारी तो बात है ही नहीं है, ये तो गुरु जी का ही पता नहीं क्या है जलवा, बस ये लगा अंदर में, तो तभी वो बात खोल रहे हैं। इसीलिए जैसे पहले भजन गाया था, आप दे दो गीता ज्ञान, तो उसमें चित्तवृत्ति जैसे टिक नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरा भजन गाया तो चित्त पूरा ठहर गया, भगवान ने वृत्ति रुक गई, तो लगा कि देखो कैसे गुरु जी हैं, कैसे बुलाते हैं, आज तुझे गुरु बुलाए, आइए भी आइए, आ भी जाइए, अब तो जगत के रिश्ते मिटाइए। पहले लगता था गुरु बुला रहा है मतलब अब हमें जो है ना सब छोड़ छाड़ के जाना है या हमें अब संसार से जाना है, लेकिन अभी तो मायने बदल गया उसका, मीनिंग ही उस भजन का बदल गया कि गुरु हम लोग को निज धाम में बुलाना चाहता है, हमारा निज धाम में हमें ठिकानों में लगा है, हर घटना का हमें और आपको अपने निज स्वरूप को पहचानने के लिए हो रही है और निज स्वरूप में टिकाने के लिए हो रही है। जगत के रिश्ते मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है या उनको बरतना नहीं है, उनके साथ हंसना बोलना नहीं, बस सत्संगियों के साथ, लेकिन गति ये हो जाती कि भक्त से मजा आने लगता है, भक्ति चाहे अपनों में दिखे चाहे किसी भक्तों को देख देख के बड़ा मजा आता है, भक्तों के साथ बड़ा मजा आता है। तभी बोला है कभी किसी ने, क्या करूं तेरे बैकुंठ को जहां संतों का संग नहीं, ये बात भी बोली गई है इसीलिए क्योंकि भक्ति सबसे प्यारी थी, बड़ा मजा आता है। कुंठा से रहित बैकुंठ को मतलब क्या, कुंठा से रहित आपका अंतर हो गया हो लेकिन वो भी नीरस है, कुछ नहीं है वहां, लेकिन रस है कहाँ, भक्त, भक्ति में रस है। निज स्वरूप में टिकने के बाद भी, मुक्त होने के बाद भी आपका रस वहां बिल्कुल अकेलापन है, वहां कुछ नहीं, लेकिन रस है भक्तों के साथ, भक्तों के साथ, भक्त सब होते हैं जो चल रहे हैं इस मार्ग में, सभी भक्त हैं, तो भक्तों के साथ बड़ा मजा आता है। तो संसार में बड़ी खिसियाहट चढ़, कल मुझे तो सारे टाइम ऐसी खिसियाहट चले किसी तरह से ये दिन निकले, बड़ी खिसियाहट क्योंकि कुछ ये अंदरूनी है, क्या है हमें खुद भी नहीं मालूम, बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं, बहन जी आंटी लोग बैठी हैं, ये बता नहीं, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा लग रहा था अंदर से क्या है तो जाने, खोजना चलती रहती है अंदर की, पढ़े कुछ जैसा तुम्हें मासिक कल का एक अनुभव बताया है। मासी एक अनुभव कल हुआ था वो बढ़िया, अभी अब हिंदू मुस्लिम वाली बात कह रही थी ना कि सबको विश करना है, तो ये तो बाहर की बात है कि देख कर करना है,
घटना चक्र बताते हैं थोड़ा सा। बस ही जैसे क्या गुरुजी ने और छोड़ने की बात कह रही है ना, जैसे बाहर से रिश्ते नाते तोड़ने हैं, तो गुरु शुरुआत में ऐसा करता है, दिखाता है जैसे कि रिश्ते नाते टूट रहे हैं। वो बेसिकली हमारा ही प्रारब्ध होता था। जैसे कभी कभी ये होता था गुरुजी के रात में रुक गए, या दिन दिन भर दो दो दिन तक घर नहीं आए। तो ऐसे कह नहीं रहा जैसे गुरु, जैसे नहीं यहाँ पर हम मतलब अपने बीवी बच्चों से माता पिता सबसे दूर कर रहा है, ऐसा दिखता है जैसे। और घर वाले भी यही सोचते हैं, देखो कैसे मतलब हटा दिया, सन्यासी जैसे बना रहा है। वो बेसिकली मासी हमारा ही प्रारब्ध होता है। अब तो दिखता भी ऐसा है, क्या मेरी रात की भी ड्यूटी होती है। मतलब गुरु जी ने अब दिखा रहे हैं कि मेरी रात में 10 से लेकर सुबह 6 की ड्यूटी भी है, 2 बजे की भी ड्यूटी है, सुबह भी तड़के कभी निकल जाते हैं। तो यानी किसी भी टाइम मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है मासी। हालांकि आजकल मेरी सहूलियत के लिए होता है, हम तो सहूलियत ही अपनी देख रहे हैं कि तो महिमा हो रही कि हम सत्संग कर पा रहे हैं, लेकिन ये प्रारब्ध है मासी। लेकिन जब और टाइम में गुरु बुलाता था तो ऐसा गुरु को घर वालों लगता था, देखो ये तुम काम कर रहे थे ये छोड़ के वहाँ भागे जा रहे हो, लेकिन आज ऑफिस के लिए भागते हो, कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है, धनोपार्जन होता है। तो अब कोई कह नहीं पाता क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन उस टाइम गुरु कहता था तो कर्म बनते थे मासी। अब जैसे पूजा की बात कर लें, पूजा जैसे करते थे ये दिवाली की, तो मासी शुरुआत जब गुरु जी के साथ थे तो ये पूजा में एक हलाई बलाई होता है। आपने देखा होगा कुछ डंडियाँ होती हैं, घर के जितने बच्चे अच्छे होते हैं लड़के हुए होते हैं, उसके ऊपर से जो घर का जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है, सबसे बड़ा होता है, पिता मालिक होता है, वो उसके ऊपर से निकालता है ऐसे से, हलाई बलाई जात है, नानी का पेट पिरात है, ऐसे करके लोगोक्ति बोलते हैं। और उसको ले जाकर जो चौराहा होता है उस पर डालकर, चौराहे पर जितने भी घर के परिवार के होते हैं वो डाल देते हैं। आपने देखा भी हो घर के आसपास कोई चौराहा होगा जहाँ पर कोई चीज़ जल रही होगी, अलाई बलाई कहते हैं, हर जगह ही होता है। तो ये घर का सदस्य करता है। तो देखिए माता जी, इसमें एक आत्मीयता है, इसमें आत्मीयता ये है कि घर के सभी बच्चे खड़े होते हैं और पिता ऐसा करता है। तो अगर मान लीजिए मैं घर का बच्चा हूँ, मैं वहाँ ना खड़ा हूँ, तो कितनी अजीब सी बात है ना मासी। गुरु ये तो नहीं करना चाहता है ना, लेकिन मासी प्रारब्ध है। बहुत बार बच्चे होते हैं बेंगलोर में है, यूएसए में है, तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो एक बच्चा घर में जो है उसी के साथ अलाई बलाई हो जाता है। मतलब ये क्रिया जैसे है, एक कर्म है, कर्मकांड मान लीजिए, तो बाकी बच्चे के साथ ये प्रारब्ध होता है। तो उस टाइम हम कहते हैं अरे बच्चा बाहर है इस बार नहीं आ पाया दिवाली में, तो चलो एक ही बच्चे के साथ कर लेते हैं, ऐसा होता है मासी। तो हम उस समय समझ जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि गुरु जी के साथ आने में देर हो गई, हम नहीं पहुंच पाए, तो मन में हमारे भी हलचल होती है और घर वालों की हलचल होती है, देखो किस वजह से ये हलाई बलाई एपिसोड नहीं हो पाया। अब पिछली बार भी शायद नहीं हो पाया था, हम आगे पीछे हो जाते हैं। और कुछ बार ऐसा भी होता है मासी, जब नए नए सत्संगी जब हम बनते हैं ना, तो आप जैसे कह रही ना सत्संगियों के साथ सब कुछ है और घर वालों के साथ है ना बैराग दिखाते हैं कि हम तो सत्संगी हो गए, या फिर ये मन नहीं लगता हमारी पूजा पाठ में, हम शुरुआत शुरुआत में ऐसी क्रिया भी कर देते हैं। अब मासी ऐसी स्थिति कि इस बार मेरा मन आया था कि ठीक है क्या करेंगे अलाई बलाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खुश भी करना है ना, सामने भगवान है, आपने जैसे कहा उसमें भगवान देखना है, उसको अगर उससे खुशी मिलती है तो हम बिल्कुल झुककर वो चीज़ करेंगे। ऐसा क्रिया नहीं, ऐसा ये है कि वो भगवान है, वो जो कह रहा है हमें झुकना है। और हमें दिक्कत भी क्या है इस करने में, ये थोड़ी गुरु ने कहा है कि अलाई बलाई नहीं करना है, ये इससे कोई भक्ति में चढ़ोगे नहीं, ये सब गुरु ने नहीं बताया मासी। गुरु ने बस झुकना बताया, सामने भगवान देखकर उसके साथ बह जाना सिखाया। तो ये करने की इच्छा थी मासी। कल लेके मेरा ऑफिस था, तो ऑफिस था तो ऑफिस से निकलना था, 9:30 तक का ऑफिस था, और जो मुहूर्त था मासी करीब 8 बजे का मुहूर्त था इस क्रिया को करने का। तो घर से मेरे पास प्रगति का फ़ोन भी आया कि ऐसा मुहूर्त है और पापा जी पूजा करने जा रहे हैं, बाकी पूजा बाद में होगी लेकिन ये प्रोसेस होने वाला है, आप आ सकते हैं। तो हमने कहा आने का तो मेरा देर का है, लेकिन हम कहा चलो चलते हैं। तो मासी जब चलने लगे तो रास्ते में बीच में पहुँचे थे, मुझे एक पर्स पड़ा मिला, मैं और ख्याति बैठे थे गाड़ी पर, स्कूटी से गए थे हम लोग, तो पर्स मिल गया रास्ते में, एक अमीनाबाद में नज़ीराबाद एक बड़ी बड़ी भारी मार्केट है, वहाँ पर्स पड़ा मिला मासी। तो सामने कुछ और भी दुकानदार थे, क्योंकि मैंने देखा तो शायद किसी और ने भी देखा हो, तो इसलिए मैंने कहा जो जो जिसने देखा है उसको एक एक ओपिनियन बना लेते हैं, ताकि कोई हमको चोर ना कहते, मतलब हम उठा कर हम रखने लगते तो कोई दिक्कत हो जाती। तो मैंने उठाया, मैंने सामने वाले को बुलाया, हमने कहा जरा उसको खोलो उसमें क्या है, तो देखा मासी उसमें पैसे थे और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और तमामों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब था किसी का, और उस्मान अली करके किसी पर्सन का था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ आओ, जरा इसको किसी पुलिस थाने में दे देते हैं, मतलब कहीं दे देते हैं, वहाँ से इसका डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो उसने कहा भैया हम थाने नहीं जाएंगे, आपको जो करना हो करिए। तो हमने कहा ये आपका तो नहीं है, उसने कहा नहीं मेरा नहीं है। तो हमने कहा हम ही दोनों ने देखा है तो उसको कुछ करना है मासी। तो मासी उस समय मुहूर्त था, मतलब उस समय प्रगति का फ़ोन आया था कि हमें घर पहुँच कर अलाई बलाई करना है।
फिर हमने उसको ढूंढना ढूंढना मासी स्टार्ट किया, तो ढूंढते 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 मासी अल्टीमेटली घर पहुंच गए। उसके उसके पिताजी मिले मासी, फोर्थ फ्लोर पर घर था मासी, लिफ्ट चल नहीं रही थी, पैदल हम लोग हम और ख्याति उसके चौथे माले पर गए, ढूंढते ढूंढते पहुंचे। और पिताजी मासी इतने खुश हुए मासी, जो हैप्पी दिवाली होती है मासी, उनकी हैप्पी दिवाली हुई, मतलब वो इतने शुक्राने में थे, इतने शुक्राने में थे, मतलब जैसे नहीं, मतलब जैसे बैठ नहीं पा रहे थे कि अब मेरा बेटा इतना परेशान है कि सबको ब्लॉक कराना पड़ेगा रात में, इतने डेबिट कार्ड सबको ब्लॉक कराना, और मैं भी इस खेचल को समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी कभी हुआ है। इतना शुक्राने में थे, बाद में बेटा भी मिला, बहुत शुक्राने में हुआ, ना हमने उनका नंबर पूछा ना हमारा नंबर उनको मिला, हम तो अनजान थे मासी, लेकिन इस क्रिया में इतना आनंद आया मासी कि वो अब कभी भी वो मजलिस में कल आज बैठे होंगे तो आज इसी महिमा कर रहे होंगे अपने गुरु की कि कैसे कल मेरे साथ हो गया, ऐसा हम लोग भी करते हैं। और अंत में मासी वो क्रिया को हम कर नहीं पाए, हम घर आ गए तो वो प्रोसेस जो था अलाइव अलाइव का वो कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए ये प्रारब्ध था मासी। आज मासी हम इस भाव में हैं कि हम भगवान देखकर भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर गुरु जता रहा है कि अगर प्रारब्ध तुम्हारा है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ नहीं बैठना है तो उसको हाँ कहो, क्योंकि हम अभी भी दिखाएंगे, अभी भी हम शुद्धता में हैं, अभी हम भगवान ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज गुरु दिखा रहा है कि बेटा तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है। और कभी गुरु को दोष मत दो, गुरु जो भी तुमसे करवाए उसमें कर्म ना बनाओ, वो तुम्हारा किसी दूसरे माध्यम से काट रहा है कि तुम खुश रह पाओ। आज भी देखिए मासी, गुरु ने आपको खुशी करा, जो भी क्रिया ये हुई ऑनेस्टी वाली उससे हम आनंदित ही तो हुए मासी, कहीं मन में कचोटन नहीं है कि हम उस क्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। आज भी गुरु हंसा रहा है, उस जगह से हटाकर दूसरी जगह रखता है, अपने पास रखता है, अपने पास सुलाता है, प्यार से बिठाता है, सत्संग कराता है, तो मासी हमारा काटता है अच्छी तरीके से। ये नहीं कि इतना बड़ा कष्ट यहाँ मिल रहा है तो कुछ छोटे कष्ट में काट रहा है, वो उस समय आनंद देता है बेसिकली, ये मासी लगता है प्रारब्ध को काटता है, बड़े प्रारब्ध को काटता है, उस पैरेलली उसमें आनंद देता है मासी। कल ये मासी लगा, हिंदू मुस्लिम आपने कहा वो भी लगा कि देखो उसकी भी दिवाली हो गई है ना, हमने क्या उसको बोला हैप्पी दिवाली, हमने तो गुरुजी ने ऐसी क्रिया हमसे करवाई कि वो उसकी दिवाली हुई है, बहुत तो हिंदुओं की दिवाली नहीं होगी लेकिन उसकी दिवाली हुई मासी, अंधेरी रात में जगमगा गया ये मासी आनंद, जो कह रही है वही सब लगा। जय सतगुरु मासी, सही बात है, यही बात तो है। तभी तो गुरु के विचार कहते हैं, गुरु जो कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई के समय देखो जैसे होता है ना, पढ़ाई के समय सब छोड़ना पड़ता है, हॉस्टल में भी जाना पड़ता है, माँ बाप सबसे परिवार से दूर रहना पड़ता, यहाँ तक कि कोई मर जाता है तो भी बच्चे का एग्जाम है उसे खबर अभी ना दो, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तक होता है ये बात। लेकिन भक्त समझते हैं, हम लोग जब ज्ञान में आए गुरु जी के पास तब गुरु जी से समझ में आया कि ये पढ़ाई है, ये कोई वो नहीं है कि हम संसार छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, बात ये हम पे पढ़ाई की है, तो पढ़ाई गुरु करवा रहा है अपने माध्यम से, रोक के लेके देके कैसा भी करके हर उसमें हमारी तुम्हारी पढ़ाई हो रही है और हमारे प्रारब्धों को काट रहा है। आकाशीय वाणी है इसको, एक तो कहते हैं आकाशीय वाणी, अगर हम मान लेते हैं तो हमारे तुम्हारे बहुत प्रारब्ध कट जाते हैं, तो नहीं तो मुंह बाय सामने खड़े हैं सब कुछ, तो ये है गुरु के भक्त जानते हैं इस बात को, तो वो इसीलिए तुरंत मानते हैं। आज सुबह ही बात हो रही थी कि तन मन धन देना पड़ता है, तो तन मन धन कैसा थोड़ा ना देना पड़ता है कि सब लुट के गुरु जी अपना जो है ना फकीर बन के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं, तन मन धन तीनों देना है। जब वो मांग रहा है, जिस समय वो तन मांग रहा है, जिस समय वो धन मांग रहा है, जिस समय वो मन मांग रहा है, हम अपने मन से देखो ना कितना देते लेते हैं, कितना करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए करने में बड़ी तकलीफ होती है, कह दे कोई तो बड़ी तकलीफ है। तो ये सारी बातें गुरु जी से ही तो जान पाए कि मन को जान पाए तो गुरु जी से तो जाना कि देखो हम स्वयं अगर हमारा मन हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मन अगर मिला हुआ है तो हमें ना उठने में, ना बैठने में, ना सोने में, ना जागने में, किसी में करने में, लेने देने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म से चलने के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है, बड़ा मन को रोकना पड़ता है। धर्म मतलब क्या, अभी दूसरा बोल रहा है ये काम करने को तो बड़े कष्ट है, बड़ा कष्ट है मन को, गुरु बोल दे तो भी कष्ट होता है, हमें तो अच्छी तरह से याद है कि एक अपने आप से चाहे कुछ दे दें गुरु जी को, एक साड़ी गुरु जी ने मांग ली किसी को देने के लिए, उसमें भी मन चला, बहुत मन चला, तो ये
मन को दिखाया जो गुरु ने, तो दिखाया नहीं तो मन मन कहते थे लेकिन मन को जानते कहाँ थे। तो जो तुम अभी बात बोल रहे हो कि सब प्रारब्ध काटता है या सब में आनंद देता है, सब अपने स्वरूप में टिकाने के लिए तो सारे काम हो रहे हैं और बाद में कुछ नहीं रह जाता है। जैसे कट जाता है तो आप और हम वो दरख्त बन जाते हैं कि हम कुछ भी आंधी पानी आए, कुछ भी किसी की कोई कुछ कर रहा हो, आप और हम टस से मस नहीं होते हैं। क्यों? अपने गुरु के भक्ति के प्रति, विश्वास के प्रति कहीं से टस से मस नहीं होते हैं कि कुछ भी कर लें, कहीं भी कुछ भी कहीं भी चले जाएं तो प्रभावित नहीं होता है मन। पहले प्रभावित हो जाता था, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, पहले प्रभावित हो जाता है किसी ना किसी को देख के, बड़ा ऐसा देख के बड़ा प्रभावित हो गया, रे यार कैसा है, कितना ज्ञानी है, कितना पैसा है, कितना तेज है, कितना ही बहुत बहुत होता। लेकिन बाद में आप प्रभाव में सिर्फ गुरु के रहते हैं। किसी का प्रभाव जैसे ऐसा रंग रंग दिया, रंग रहे ना उस पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं, तो बोले काले पे क्या रंग चढ़ेगा, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। तो गुरु जी काला ही कर देते हैं पूरा, तो मुंह काला भी हो जाता है, सब काला हो जाता है। आपको अपना मन जब दिखने लगता है तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगता है क्योंकि मन दिख रहा है। दूसरे का मन जब दिखे तब बड़ी तकलीफ है, लेकिन जब आपको अपना मन समझ में आ रहा है तो अपने कारण से दूसरे का भी समझ में आ रहा है, तो अब आप मौन होते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो जो है ज्ञान बहुत सच्चा है, दरबार बड़ा सच्चा है और गुरु जी जो हम लोगों को दात दे रहे हैं, जीते जी मन से मुक्ति दिला रहे हैं। मन को देखना ही तो मन से मुक्ति है, और क्या मुक्ति है बता दो। किसी चीज को देखते रहना ही तो मुक्ति है, और हट के तुमको देख रहे हैं तो तब तो भोग है, योग थोड़ना है। जुड़े पड़े मन से, फंसे पड़े मन में, देख रहे हैं वैसे भी एक है, देख रहे हैं मन तेरा, लेकिन क्या है जान रहे हैं। देखो ऐसी दशा होती, हाँ ऐसी हम हमारी भी होती है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ये सब देख एक कर रहे हैं अभी भी, एक कोई कह नहीं हम तो कुछ नहीं देखते, हम तो कुछ नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। 100% हर समय कर्म करते रहते हैं, तो कर्म करने में कर्म को उसकी दिशा क्या है, सोच क्या चल रही है कि देखो ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो देखो यही तो दशा होती है, यही तो दशा होती है। ये सब अच्छा लगता है और कहीं पे उससे ही हमारा तुम्हारा अपकीर्ति होने का होता है, तो वहां पे जो भी गुणीजन है, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई बड़े हो या जो सब अनुभवी है, वो हम लोगों को थोड़ा रोकते बोलते और टोकते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है, उन्हें अपनी महिमा नहीं चाहिए, उन्हें ये मालूम होता है कि इससे इसका इसकी ही कीर्ति बढ़ेगी, इसका ही महिमा होगी ये सब। तो इसलिए वो बड़े पहले बड़े टोके नहीं कि अरे टोकता रहता है, ये दिमाग में चलता है। जैसे जैसे गुरु जी के जाना तो वैसे वैसे लगा, अरे एक भी कोई कुछ बोलता है तो मेरे भले के लिए बोलता है, हम उसका तेज बोलना, उसका हर समय टोकना, ये सब जो है हम इसलिए तकलीफ में आते हैं सुन के, क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं कि वो हमारे हित के लिए, गुरु से ये समझ में आ जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहा है। तो आप अभ्यास करते हैं जीवन में,
हम लोग को अभ्यास तो करना ही है, तो नहीं को अभ्यास नहीं कर, हम तो पारंगत है ऐसा थोड़ा ना, हम सबको ही अभ्यास कर रहे हैं, करते रहना है जीवन भर। अभ्यास जितना सही दिशा पे होता है तो सही है, और आप देह भाव से मन की दशा में मन वो पलानी ऐसा कर रही, ढिमकानी ऐसी है या ढिमकाना ऐसा, ये सब कर रहेंगे तो आपको ज्ञान मालूम तो है लेकिन ज्ञान पर अमलता चाहिए। ज्ञान सुनता रहूं, तुम सुनाते रहो, अमल करने में बड़ा मजा आता है। कहते रहे आज हमें अपने खुद ही लगा कि पहले ये बात कोई कहता था तो कैसे हम हो जाते थे, बड़े अंदर में मगन भी हो जाते थे बहुत, नहीं कहता था कोई तो उससे तकलीफ में भी आते थे, लेकिन आज जब किसी ने बोला तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे की बात कोई कर, मेरी बात ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोल रहा। ये दशा थी इसलिए बताई। तो क्या है वो ईश्वर जाने, हमें नहीं मालूम, जो होता है वो खोल देते हैं अंदर, क्योंकि अंदर खाली रहने में आराम आता है। जो भी चलता है जीवन में उसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं और बहुत आराम में रहते हैं। सर पे आधार सर झुका रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, सर पे आता रहूं सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, तुम दाता बनो मैं भिखारी बनू, तुम दाता बनो मैं भिखारी बनू, झोली भरने में बड़ा मजा आता है, झोली भरने में बड़ा मजा आता है, दर पे आता रहूं सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, ज्ञान सुनाते रहो ज्ञान सुनता रहूं, ज्ञान सुनाते रहो ज्ञान सुनता रहूं, अमल करने में बड़ा मजा आता है, अमल करने में बड़ा मजा आता है, दर पे आता रहूं सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, दीन बंधु हो तुम करुणा सिंधु हो तुम, दीन बंधु हो तुम करुणा सिंधु हो तुम, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है, महिमा करने में बड़ा मजा आता है, दर पे आता रहूं सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। कल वहां बड़े बाजार जब दुकान पे गए थे तो गुरु जी की पूजा कर रहे थे तो बड़ा प्राउड फील कर रहे थे और बड़े जोर जोर से आरती हम लोग कर रहे थे, ताली बजा बजा के, और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। किस बात में प्राउड फील कर रहे थे
कि राम और कृष्ण की तरह ही हमारे गुरु की भी बड़ी महिमा है, नहीं बिल्कुल वैसी उनकी भी ख्याति हो रही है, हम लोग के भगवान वही है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी जैसे अंदर में क्या बताएं, कितना खुशी हो रही थी कि उनकी तरह रामकृष्ण की तरह हमारे गुरु जी की भी ऐसी ही महिमा, इतनी ही प्रसिद्धि है कि जगह जगह हम लोग, क्योंकि उन्हीं के नाम से हम लोग कर रहे हैं, बन रहे हैं, संभल रहे हैं, संवर रहे हैं। सच्चाई तो यही है ना, उन्हीं की, उन्हीं के ज्ञान के प्रताप से ज्ञान तो नहीं दिया। इससे पहले तो ना रामायण जानते थे ना गीता जानते थे, रामायण गीता को समझा ही गुरु जी से, तो अपने गुरु पे बड़ा नाज होता है और उनकी खूब महिमा हो ऐसा मन करता, खूब महिमा हो, खूब महिमा हो। और बड़ा जैसे 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 ऐसा फील होता है जैसे बच्चा बहुत उसकी महिमा हो, उसको खूब ख्याति मिले तो माँ बाप कितना गौरवान्वित होते हैं। कल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब आरती गा रहे थे जोर जोर से, तो बोले अरे गुरु जी क्या बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं पहले तो करते थे तो बाजार में शोर सुनाई देगा इसलिए धीमे गाते थे, हाँ ये होता था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगता है, जितनी जोर शोर से कर सके महिमा उतना अच्छा, उनकी स्तुति कर सके, उनका वंदन कर सके, उनकी पूजा कर सके, बहुत बहुत अच्छा। क्या कहे, कहना हो जिसको कहे, हमारा तो मजा आता है। क्या पढ़े क्या कहूँ, कौन सी दौलत है मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, सब मेरी जन्नत है।